अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज की जो वर्किंग है हमारी वो है कि हमने डाटा ग्रिड को यूज़ करते हुए अपना डाटा कैसे डिस्प्ले करना है। इसके अंदर हम करंटली तो हम इसके अंदर कोड के जरिए जो डाटा फीड करेंगे उसके क्या मेथड्स होते हैं, वो 2-3 मेथड्स हैं जिनके जरिए हम डाटा को इसके अंदर ऐड करते हैं। इसके अंदर ये ऑटो मेथड भी है कि आप डाटा ग्रिड में जाके इसके यहाँ से डेटाबेस वगैरह सेलेक्ट करके कौन सा डेटाबेस आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं वो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लाइक ये डेटाबेस का ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट करके इसके अंदर जो डाटा है उसे आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर देखें ये आपका ऑप्शन मौजूद है कि एनेबल एडिंग है, एडिटिंग है, डिलीशन है और कॉलम रिकॉर्डिंग है। तो ये इसके अंदर आप फीचर्स मज़ीद ऐड कर सकते हैं कि अगर आप डाटा इसके अंदर आपने उसको अटैच किया हुआ है, ठीक है, यानी किसी भी टेबल को डाटा को कि आप करेंगे यूज़र को किसी डाटा की एक्सेस हो और वो यहीं से डाटा को चेंज वगैरह कर सके, डेटाबेस में ना उनसे जाना पड़े। तो यूज़र के लिए आप इस तरह के फॉर्म डाटा ग्रिड बनाना चाह रहे हैं तो आप डाटा ग्रिड दे दें, एक्सेल टाइप इसकी वर्किंग आ जाएगी। तो ये तो नहीं देगी, अभी हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर मैनुअल वर्किंग का मेथड देखेंगे क्या है। ठीक है, अदरवाइज अगर यहाँ आए आपके हेडिंग वगैरह रखनी है आपने तो यहाँ एडिट कॉलम्स का ऑप्शन है, ऐड कॉलम्स का ऑप्शन है कि आप कॉलम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। अभी जो है हम ये जो सेकंड मेथड है इसका, यानी ये जो ऐड का है कि ये हमने जो अभी बनाई है असाइनमेंट इस पर वर्किंग करते हैं, क्योंकि हमारा जितने भी लेसन होंगे हम इसके अंदर कोशिश करेंगे वो असाइनमेंट टू असाइनमेंट हो और जो चीज़ बना रहे हैं उसकी आउटपुट का मकसद हो कि भाई ये इस मकसद के लिए बना रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने नाम उसका क्या रखा हुआ है, DGB नाम रखा हुआ है डाटा ग्रिड का। ठीक है, तो यहाँ मैं कॉलम्स काउंट का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ इक्वल टू 5, मीन्स के मैं इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रखना चाह रहा हूँ, 5 रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, DGB डॉट कॉलम्स, यहाँ पे कॉलम्स देखते हैं, कॉलम्स ये कॉलम काउंट है, इसको हम जो है देते हैं 0 डॉट नेम कर लेते हैं, ये मैं हेडिंग के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, जो हेडिंग रखना चाह रहे हैं हम, पहले का नंबर हम नाम में लिखा हुआ है एस नंबर। ठीक है, ये चीज़ कर ली। अब हम क्या करेंगे, इनको कॉपी पेस्ट कर लेंगे ताकि बाकी भी जो हैं वो भी हम इसी तरह रख लेंगे। नहीं, दूसरा क्या था, कस्टमर। ठीक है, तीसरा क्या था, रेट। ठीक है, चौथा क्या था, उसके बाद क्वांटिटी और अमाउंट। ये 4 कॉलम थे जो कि हमने ऊपर सेल्स बनाए हैं, इनमें से डाटा हमने इन कॉलम्स में से डाटा हमने यहाँ फेंकना है। ठीक है, और इसमें मैनुअल मेथड भी देखते हैं, अगर हम मैनुअली ऐड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ में मैनुअल मेथड है, मैनुअली ये कह सकते हैं हम मैनुअल एडिशन ऑफ रोज। ठीक है, तो यहाँ मैं आ जाता हूँ कि हमने मैनुअली रोज़ के अंदर जो डाटा है वो रखना है, तो यानी जो है मैं इनको इनमें से नहीं रख रहा, अभी जस्ट क्या कर रहा हूँ मैं मैनुअल रखना चाह रहा हूँ। तो DGB डॉट, ठीक है, अब क्या करेंगे रोज़। ठीक है, रोज़ लिख दी, ये सिलेक्ट होगी, डॉट ऐड कर देंगे, ऐड करनी है रो कौन सी है, वो रोज़ ऐड करनी है, यहाँ हम ये सारी रोज़ जो हैं दे देंगे। इसको क्या करेंगे, पहली रो में क्या है जी, सपोज मैं सीरियल नंबर 1 रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर दूसरी रो जो है उसमें दूसरा मतलब ये अब रो 1 है और आगे इसके कॉलम्स आ गए, अब मैं सेकंड कॉलम में आ गया। उसके सेकंड कॉलम में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ जी मैं रख देता हूँ, नाम रख देता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ 1 कर लेता हूँ, नंबर है, और फिर कॉलम दिया, फिर क्या है जी, रेट है, कस्टमर है। एक चीज़ हम गलत कर रहे हैं कि हम कस्टमर का रेट लगा रहे हैं जबकि हमें आइटम वगैरह रखना चाहिए नाम, तो यहाँ मैं इसकी जो है क्या रख लेता हूँ, आइटम रख लेता हूँ, या एक फील्ड जो है हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो क्या है, कस्टमर की और आइटम की, कस्टमर कर दिया, यानी यहाँ भी फिर बढ़ानी पड़ेगी, 6 करनी पड़ेगी। तो अब इधर आ गया जी, इधर आ गया जी, यहाँ मुझे एक और चीज़ देनी है, कौन सी, कॉलम की, यानी कि कौन सा, कस्टमर की। तो ये कस्टमर, बल्कि ये कस्टमर है और ये आइटम है, सपोज लैपटॉप है। ठीक है, उसके बाद रेट आ गया, उसके बाद फिर कोमा डाला हमने, क्वांटिटी 2 डाल लेता हूँ, फिर कोमा डालता हूँ और अमाउंट लिख देता हूँ, सपोज ये 400 है। ठीक है, ये इसकी एक रो आ गई, ये कॉलम पूरा हो गया, मतलब सारे कॉलम्स लिखे गए, एक रो के अंदर और अगर मैं मज़ीद रोज़ लिखना चाह रहा हूँ तो इस तरह करके ये करूँगा। अभी चेक करते हैं कि क्या ये रोज़ आ रही हैं। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं इसको। ये जी बटन क्लिक करने पे हमने ये रोज़ देनी थी। अब यहाँ हमने एक देखा है कि ऊपर टाइटल जो है जस्ट अमाउंट आया है। तो क्यों जस्ट अमाउंट आया? क्योंकि हमने कॉलम क्या दिया सबका 000 कर दिया, जिसकी वजह से वो आखिरी वाला जो है वो आया है, क्योंकि पहले उसने ये दिया होगा, यानी एक ही कॉलम के ऊपर हमने सारे नाम दे दिए। तो गलती हमें नज़र आ गई कि क्या है कि हमने इनको 10 1 2 इस तरह करना है। ठीक है, तो चलें अब इसको बंद करते हैं, स्टॉप करते हैं और यहाँ रख लेते हैं। 0 तो हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब चेक करते हैं इसको स्टार्ट करके, बटन पर क्लिक करते हैं तो ये अब ठीक हो गया। सीरियल नंबर, रेस्टोरेंट, आइटम, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट आ गया। इस तरह चीज़ें आ गई। अब अगर तो हम कहीं कोई डेटाबेस वगैरह यूज़ कर रहे होंगे तो उसके हम फील्ड्स वगैरह का नेम जो है यहाँ रख लेंगे और उसका जो भी उसका सिस्टम होगा कि वो कैसे डाटा को उठाएगा रो वाइज, तो यहाँ पे लूप के जरिए डाटा हमारा आ जाएगी, सारी रोज डेटाबेस में से खुद आ जाएंगे। खैर ये तो हमने मिक्स करना है, तो यानी ये मेथड एक हो गया कि जिसके जरिए हमने ये चीज अभी हमने देखा कि भाई ये डाटा हम लोग इसमें हम कैसे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि हम लोग ये तो हो गया कि भाई अब अगर तो ये हम बटन पे ऐड करेंगे तो फिर तो काम नहीं। ठीक, इसको कहाँ ऐड करना चाहिए हमें? ये जो कॉलम्स हैं इनको हमें ऐड करना चाहिए कि जैसे ही जो है ये ऐड होते चलता है फॉर्म हमारा लोड होता है तो फॉर्म के लोड इवेंट के ऊपर ही इसका जो है कॉलम जो हेडिंग्स हैं वो आ जाए। तो हमने मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये कहाँ पे मैं डबल क्लिक किया है? फॉर्म के अंदर डबल क्लिक किया है और यहाँ ये इवेंट इसका कौन सा कॉल हुआ है? फॉर्म लोड इवेंट। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसका ये वाला सेक्शन जो है ना काउंट और ये वाला सारा फॉर्म के लोड इवेंट के अंदर फेंक देता हूँ। ठीक है, ताकि जैसे ही लोड हो तो ये चीज़ आ जाए। उसके बाद बटन क्लिक होने पे हमें डाटा कहाँ से चाहिए? ये जो कॉलम्स हैं ये हमें कौन से चाहिए, ये हमें कहाँ से वैल्यूज चाहिए? इनके अंदर से। ठीक है, जब जब क्लिक हो तो ये उसके अंदर ऐड करता जाए। तो लेट्स सी, पहले तो ये देख लेते हैं कि हमने अभी जो लोड इवेंट पे किया तो उसका क्या फ़ायदा। लोड इवेंट पे फ़ायदा क्या हुआ है कि वो जैसे रन हुआ है तो डिफ़ॉल्ट में हमारे पास हेडिंग उसकी आ रही है। ठीक है, अब हम जो है ये करेंगे कि इनके अंदर से डाटा हमने वहाँ फेंकना है। ठीक है, तो इनके नेम क्या हैं? टेक्स्ट बॉक्स 1 है, टेक्स्ट बॉक्स 2 है, टेक्स्ट बॉक्स 3 है, टेक्स्ट बॉक्स 4 एंड 5 है। ठीक है, ये नेमिंग इनकी आ रही है 4 3 2 एंड 1। ठीक हो गया जी। अब हम ऐड के बटन के ऊपर ये चीज़ देना चाह रहे हैं, हमने ये जो वर्किंग की थी। ठीक है, इस वर्किंग को क्या करते हैं हम जो है कमेंट सेलेक्टेड ये वाला ऑप्शन है जी, इसके क्रॉस शॉर्ट की है Ctrl K और Ctrl C। ठीक है, इसके ज़रिए आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट हो गया जी, हमें चीज़ चाहिए ये वाली, कोई एक ही ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है जी, यहाँ क्या आएगा? अगर तो हम चाह रहे हैं कि वो टेक्स्ट बॉक्सेस में से वैल्यूज जो हैं कुछ उनमें चली आ जाए, क्या नाम है, वेरिएबल्स में, तो पहले वेरिएबल्स की वर्किंग कर लें या फिर डायरेक्टली हम यहाँ ट्राई करते हैं कि डायरेक्टली TextBox 1.text हमें अलाउ करता है कि नहीं करता। तो ये अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए? कॉपी करना चाहिए और इसको पेस्ट करना चाहिए। 2 वाले सेल आ गया और इसी तरह ये 3 वाला सेल आ गया और ये 4 वाला सेल आ गया, फिर ये 5 वाला सेल आ गया और 5 एंड दिस वन इज कॉलम नंबर 6। ठीक हो गया जी, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अभी देखते हैं हम कि क्या हमें इस बटन के क्लिक करने पे ये रो इसके अंदर ऐड करनी चाहिए इसे। तो देखते हैं अभी क्या एरर दिया इसने, 6 पे दिया जिसने 6, तो 6 नहीं है क्या हमारे पास? देखते हैं, 6 नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास एक मिसिंग है क्योंकि हमने एक बाद में ऐड किया था। तो लिहाजा क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको भी थोड़ा स्क्वीज़ करते हैं, इन दोनों को हम इधर लेफ्ट पे ले आते हैं। अब इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं। ये अब यहाँ क्या करना चाहिए? आइटम लिख देना चाहिए। तो अभी हमारे पास 1 2 6 जो है इधर है, 6 को हम सीक्वेंस जो है हम ऐसे रखते हैं। नेमिंग हम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास नेम हुआ है तो उसको यूज करते, टाइम बचाते हैं ना जी। ये आ गया जी, अभी हमारा 1 2 3 4 5 6 आ गया जी। अभी हमारा 6 का मैट्रिक्स का रिजॉल्व हो जाना चाहिए। देखिए कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, तो दोबारा से इसे देते हैं। अभी तो इसके पास है ना, या इसको आप वहाँ से textbox6.text ठीक हो गया जी। ये आ गया। अब एरर भी रिमूव हो गया। लेट्स सी कि ये डाटा इसमें ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखता हूँ 1, यहाँ लिख देता हूँ कोई नाम लिख देता हूँ, यहाँ रेट लिख देता हूँ, 3 एक क्वान्टिटी 2 लिख देता हूँ, यहाँ मैं 6 लिख देता हूँ। ऐड करते हैं तो ये रिकॉर्ड ऐड हो गया। यानी कि दोबारा ऐड करते हैं, जितनी दफ़ा ऐड करते जाएंगे वो उसको उसमें ऐड करता जाएगा। यानी ये तो हमारी एक होगी कि हमने मैनुअली कैसे जो है इसके अंदर रिकॉर्ड जो है यहाँ से इसके अंदर ऐड किया। तो जी ये आज के लेसन में हमने ये 2 चीज़ें पढ़ी कि इसके अंदर डाटा कैसे हमने रखना है, ठीक है, ऐड करने पे इसके अंदर डाटा कैसे जाएगा। इसको मैनुअली हमने एक दफ़ा खुद से ऐड किया, क्योंकि उसके सारे कॉलम्स में, यानी इसके कॉलम्स का मेथड क्या है कि आप पहले कॉलम्स को डिफाइन करते हो। कॉलम्स को डिफाइन करने का ये मेथड भी है कि आप इसको इसके ज़रिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि भाई इसके अंदर यहाँ से ऐड करने का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है कि यहाँ से आप इसे ऐड कॉलम्स का ऑप्शन देते हैं। तो ऐड कॉलम्स में यहाँ नाम रखते जाएँ, जैसे मैंने एस नंबर का, तो यहाँ कॉलम्स ऐड करते वक्त हमारे पास कुछ और फीचर्स भी आ जाते हैं। लाइक क्या है कि आप इसको कॉलम को बटन व्यू का बटन बनाना चाह रहे, चेक बॉक्स बनाना चाह रहे, कम्बो बॉक्स बनाना चाह रहे हैं, इमेज कॉलम रखना चाह रहे हैं, लिंक कॉलम रखना चाह रहे हैं, या टेक्स्ट कॉलम रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको टेक्स्ट कॉलम रखना चाह रहा हूँ। एक मैंने ऐड कर दी, जैसे जैसे देखें ऐड करते जा रहे हैं वहाँ वो चीज़ आ जाती जा रही है। ठीक है, कॉलम नंबर दे दिया, ठीक है, फिर मैंने कस्टमर दे दिया। तो ये भी ईजी मेथड है कि अगर आप इस तरह करना चाह रहे हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं। कॉलम्स की हेडिंग की रखना चाह रहे हैं, या फिर आप कोड के ज़रिए करना चाह रहे हैं तो कोड के ज़रिए आप वहीं से जहाँ से हमने पहले किया था उसके ज़रिए कर लेंगे। तो ये दोनों मेथड्स मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आइटम, ठीक है, और उसके बाद जी क्या था, रेट था, और रेट को मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ऐड कर दिया। उसके बाद क्या थी जी, क्वान्टिटी थी, तो क्वान्टिटी मैंने हेडर टैक्स क्या है, नाम है उसका ये वाला, और हेडर टैक्स है जो ऊपर टैक्स आएगा। ठीक हो गया जी, क्वान्टिटी आ गई और फिर अमाउंट आ गई। तो अमाउंट मैं हेडर टैक्स के अंदर भी रखूँगा ताकि वहाँ भी डिस्प्ले हो। नेम जो है, नेम किस लिए होता है किसी भी चीज़ का, कि उसको कॉल किस तरह करना है, हमने उसको कहाँ कोई चीज़ वैल्यू रखानी है किसी कॉलम के अंदर, तो नेम के ज़रिए उसको कॉल किया जाएगा। अब ये तो हो गया सारा, ये इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, एडिट कॉलम्स में है, आपके ये सारे कॉलम्स आ जाएंगे। अगर आप किसी को भी चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज कर लेंगे। इसको जैसे ये है, ठीक है, इसको मैं जो है इसकी जगह कोई और रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको, ये टाइप का ऑप्शन मौजूद है, कॉलम टाइप, तो सपोज मैं यहाँ पे इसको कॉलम की टाइप जो है वो चेक बॉक्स या कम्बो बॉक्स रखना चाह रहा हूँ, तो कम्बो बॉक्स करूँगा तो ये कम्बो बॉक्स हो जाएगा। उसमें आइटम्स का क्या होगा, ये आइटम नेम है इसका। यहाँ कलेक्शन के अंदर आके, जैसे कलेक्शन के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप इसको आइटम दे सकते हैं। जैसे मैं लैपटॉप दे देता हूँ, ठीक है, माउस दे देता हूँ, कीबोर्ड रख देता हूँ, ठीक है, एलसीडी दे देता हूँ, वेबकैम दे देता हूँ, ठीक है, जो जो आपके पास आइटम्स हैं, हार्ड डिस्क दे देता हूँ, ठीक है, और पोर्टेबल ड्राइव दे देता हूँ, ठीक है, मोबाइल दे देता हूँ। ये आइटम्स मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, ओके करूँगा। तो अब क्या है, मेरे पास कम्बो बॉक्स के अंदर ये जो है आइटम्स मुझे डिस्प्ले करेगा। तो देखते हैं, यानी अभी हम क्या करना चाहिए, हमें एक चीज़ अभी करनी पड़ेगी, ये जो डिफ़ॉल्ट में इसके कॉलम्स लोड होते हैं इनको कमेंट करना पड़ेगा। तो कमेंट के लिए क्या था, शॉर्ट की क्या है, Ctrl K और Ctrl C, यानी Ctrl K क्लिक किया और Ctrl C क्लिक किया तो ये कमेंट हो गया। और दोबारा अगर इसे करना है तो दोबारा से आपके पास अब अनकमेंट करने के लिए Ctrl K और Ctrl U से ये बल्कि इधर आएगा अन कमेंट के लिए क्या है कंट्रोल के और कंट्रोल प्लस यू, ठीक है। तो इसके जरिए ये बटन्स भी लगे हुए हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और इसके अलावा ये दो बटन्स लगे हुए हैं, फिर कंट्रोल के और कंट्रोल सी के जरिए ये चीज़ आएगी। तो खैर हमने इसको अगर कमेंट करना है तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं सारों को और यहाँ से कमेंट वाले ऑप्शन पर जाके कमेंट कर लेते हैं। कमेंट किस लिए किया, ताकि क्योंकि हमने इसके अंदर कॉलम्स दिए हुए हैं, तो फिर इस तरह तो डबल काम हो जाएगा ना, तो लिहाजा हमने एक तरफ से इसको ख़त्म कर दिया, दूसरी तरफ से रहने दिया। अभी इसे स्टार्ट करके देखते हैं, क्योंकि अभी हमने कॉलम्स में ऐड किए हुए। यहाँ देखें आइटम्स हमारी जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए, हो रही हैं जी, लैपटॉप माउस वगैरह वगैरह जो जो हमने आइटम्स उसके अंदर ऐड की थी वो सारी हमारी यहाँ डिस्प्ले हो रही हैं। तो ये हम जब डेटाबेसेस में होंगे तो डेटाबेस में भी करने का मेथड बताऊंगा कि कैसे आप आइटम्स को ऐड कर सकेंगे डेटा ग्रिड के अंदर, तो उसमें डेटा इसके अंदर कैसे आएगा वो हमारे अभी नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह जो है मैं और डेटाबेसेस के बारे में बताऊँगा। तो डेटाबेस डेटा ग्रिड में आके तो लेके भी, क्योंकि हम लोग फॉर्म के जो कंटेंट्स हैं, आइटम्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको हम जो है स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कंपोनेंट्स आ रहे होंगे फिर उनको डेटाबेस के जरिए यूज़ करना है या किसी भी और मेथड से यूज़ करना है तो वो यूज़ किया जा सकेगा, क्योंकि उसके हमें चीज़ें पता चल गई कि इसकी कॉलम्स होती हैं, इसकी डेटा रो ऐड करने के लिए हमें उसके अंदर क्या चीज़ चाहिए होती है। ggv.rows.add यूज़ करेंगे उसमें, उसकी रोज में डाटा ऐड करने के लिए, ठीक है, और कॉलम्स वगैरह बनाने के लिए, कॉलम में जाने के लिए ggv.columns क्या 0 है, और काउंटर क्या है कि इनिशियली आप उसे डिफाइन कर देते हैं, दे देते हैं कि भाई इतने कॉलम आपके हैं। एक तो मेथड ये मैनुअल मेथड था जो हमने कोडिंग के जरिए किया, लेकिन इसी तरह आपके पास इस डाटा ग्रिड के अंदर राइट टॉप कॉलम पे आएंगे तो यहाँ आपको कॉलम्स को एडिट करने का और ऐड करने की फैसिलिटी मौजूद है, कि अगर आप ऐड वगैरह करना चाह रहे हैं आइटम्स को तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आइटम फ़ोटो में कर देता हूँ, तो फ़ोटो के लिए क्या होना चाहिए इमेज कॉलम, ठीक है, तो ये कर लेते हैं, उनका कर देते हैं, तो ये यहाँ हम फ़ोटो को आ जाएगा, यानी यहाँ इसकी जगह पे हम इसके अंदर फ़ोटो भी ऐड कर सकेंगे, ठीक है। इस जगह पे इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर को भी मज़ीद को स्टडी किया जा सकता है। इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो आप इसको इसकी प्रॉपर्टीज़ ये मिलेंगी, इसमें बहुत कुछ है, ठीक है, जैसे कॉलम सेल बॉर्डर स्टाइल है तो सिंगल है, डबल है, या कैसे, ये काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा बॉर्डर स्टाइल है, ये फिक्स्ड हो रही आ रहा है, बैकग्राउंड आप कलर देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी जिसको आप चेंज करके स्टडी कर सकते हैं। तो इसी तरह ये डिफ़ॉल्ट सेल स्टाइल क्या हो, तो ये स्टाइल्स के अंदर मौजूद है, यहाँ से आप सेल स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिंग भी है, तो ये कुछ इसके अंदर आ रहा है। इसी तरह हेडर जो है वो हेडर विजिबल हो स्टाइल या ना हो, अनेबल विजिबल वगैरह का ऑप्शन है, ग्रिड कलर है, इसके अंदर जो ग्राफ है उसको आप कलर देना चाह रहे हैं, कोज की जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट की वो लेफ़्ट टू राइट रखना चाह रहे हैं, राइट टू लेफ़्ट रखना चाह रहे हैं, वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। और रो हेडर बॉर्डर स्टाइल रेज्ड है, ठीक है, रो बहुत सारी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको अगर एक एक करके बोला जाए तो फिर तो काम लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसको स्टडी करें, आप इसके अंदर इसको डबल क्लिक ही करना ना, जैसे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ आपके इनेबल हो जाएगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को आप स्टडी करें। डाटा बाइंडिंग अभी मैंने पढ़ी थी, डाटा बाइंडिंग यही थी जो हम उसको यहाँ से डाटा देना चाह रहे थे, तो अभी बाइंड हमने नहीं किया, हमने जस्ट जो है क्योंकि हमने जो वर्किंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है इसके अंदर, वो कस्टम प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। तो कस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि हमने सेल्फ कोडिंग करनी है, खुद से कोडिंग करनी है, और इसके अंदर जो इसके फीचर्स हैं उन्हें भी बाईपास करना है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसके फीचर्स के जरिए डायरेक्टली चीज़ ले आएंगे तो हम इसके कंटेंट्स क्या हैं, इसकी रोज को कैसे एक्सेस किया जा सकता है, कॉलम्स को कैसे एक्सेस किया जा सकता है, वो नहीं स्टडी कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्टली फैसिलिटी जो मिल रही है कि भाई ये चीज़ यहाँ से आपको मिल जाएगी, तो फिर कौन चाहेगा कि मैं स्टडी करूँ, क्योंकि लेकिन ये मस्ट है, क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो कस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर क्या बंदा फंसता भी नहीं है, और अगर आपने सारी चीज़ें देखी होंगी तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों सारों को फॉलो वन बाय वन स्टडी करते हुए आगे चलेंगे। तो हम आज के लेसन के लिए बस इतना ही, तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह डेटाबेस के साथ इसी डाटा ग्रिड को इस्तेमाल करते हुए स्टडी करेंगे और इसमें सर्च वगैरह के फीचर्स को भी स्टडी करेंगे।